दोस्तों नमस्कार, नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस बस में हम महाबलेश्वर तक जाने वाले हैं। अभी मैं पुणे में हूँ, लेकिन ये बस मुंबई से आई है और हमें महाबलेश्वर तक लेके जाएगी। सरकारी बस है और ये पुणे का बस स्टैंड। पीछे आवाज़ काफ़ी आ रही है अनाउंसमेंट की। आइए शुरू करते हैं। और अभी हमारी बस पुणे बस स्टैंड से निकल रही है, जो हमें महाबलेश्वर तक लेके जाएगी। बने रहे पूरे वीडियो में। और ये स्वर्गघाट बस स्टैंड के बाहर का व्यू, सामने ऊपर बड़ा ब्रिज और नीचे चलता हुआ ट्रैफिक। ये हमारी गाड़ी हमें महाबलेश्वर तक लेके जाएगी। महाबलेश्वर की रोड पे आ गई है बस स्टैंड से निकल कर, और ये ब्रिज के ऊपर से जाएगी सीधी। बने रहे पूरे वीडियो में, पूरी जानकारी सफर की आपको मिलने वाली है। ये महाबलेश्वर का घाट रोड, गाड़ियां काफी आहिस्ता आहिस्ता चल रही हैं और आगे ट्रैफिक भी जाम है। बने रहे पूरे वीडियो में। ये पुणे बेंगलोर हाईवे है। पुणे से हम बाहर निकल आए हैं और ये पूरा हाईवे बेंगलोर तक जाता है। काफ़ी बड़ा हाईवे है और तीन ट्रैक इधर है, तीन ट्रैक उधर है। काफ़ी चौड़ा हाईवे, छः ट्रैक का। देखते हैं आगे कैसे आता है। और ये जो जगह ये आई है सिंदेवाड़े, और ये सजेवाड़ी ये गांव के नाम है यहाँ के। और ये पूरा हाईवे के ऊपर हम चल रहे हैं। बड़े बड़े ट्रक भी चलते हैं इसमें और बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर आपने मिली हैं। और ये देखिए यहाँ की वादियाँ, लैंडस्केप बहुत ही शानदार है यहाँ का। पूरा वीडियो आप एंजॉय करते रहें। कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या आप यहाँ आए हैं, क्या आपने ये देखा है महाबलेश्वर का रोड, पुणे से महाबलेश्वर। कमेंट ज़रूर करें, बाकी एंजॉय करते रहें वीडियो को। बारिश हो रहा है हाईवे पे, थोड़ा ही निकले हैं पुणे से और बारिश हल्का हल्का यहाँ पे आया है। अभी रोड के ऊपर पानी है, आप देखेंगे तो ये देखिए पानी इकट्ठा हो रहा है थोड़ा थोड़ा। हल्की बूंदाबांदी हो रही है और बारिश पिछले दो तीन दिन से चली रही है। मौसम बहुत ही ठंडा है यहाँ पर, सुहाना मौसम है। अक्टूबर का ये महीना चल रहा है अभी। और अभी देखिए अभी भी बादल है, बारिश आने की संभावना अभी भी है। बाकी सफर को आप एंजॉय करें, बने रहे पूरे वीडियो में। बीच बीच में रोड का कंडीशन इतना अच्छा नहीं है, रोड में बहुत ज़्यादा झटके लग रहे हैं। तो बीच बीच में रोड अच्छी नहीं है, कहीं कहीं ठीक आ रही है, कहीं कहीं इतनी अच्छी रोड नहीं आ रही है। और अभी यहाँ पर होटल में, सूर्य होटल है, यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लिया है चाय पानी के लिए, फ्रेश होने के लिए। 15-20 मिनट यहाँ रुकेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारी बस इसके पीछे बस खड़ी है और ये हाईवे है चलता हुआ। देखिए आप पूरा हाईवे, हाईवे के ऊपर ये होटल है। 15-20 मिनट का ब्रेक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी टी ब्रेक के बाद वापस हाईवे पे आ गए हैं और हमने सफ़र हमारा महाबलेश्वर का शुरू कर दिया है। 15-20 मिनट के लिए रुके थे यहाँ पर, क्योंकि आप देखिए फूलों की घाटी है। बहुत ही शानदार फूल यहाँ पर होते हैं, यहाँ के फूल बहुत ही फेमस हैं। बाकी आप देखिए
हाईवे का नज़ारा और ये पूरा रास्ते का आनंद लीजिए। बने रहिए पूरे वीडियो में। आगे केबिन से आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है इंजन की, तो मेरी आवाज़ आप तक कितनी आ रही है देखना पड़ेगा। बाकी आप देखिए ये पूरा हाईवे जो है, इसके आसपास हाईवे के ऊपर गांव बहुत है और थोड़ी देर में गांव आ जाता है और अच्छी हरियाली यहां पर है, हरा भरा है, बहुत ही शानदार व्यू यहां को देखने को मिलते हैं हमें, चाहे वो गांव के नज़ारे हों चाहे वो हाईवे के नज़ारे हों, बहुत ही शानदार। बाकी ये देखिए बस सर्विस बहुत ज़्यादा चलती है यहां पर, बसें प्राइवेट गवर्नमेंट की बहुत बहुत सारी बसें हैं, बस रूट पे चलती है। और अभी यहाँ पर होटल में सूर्य होटल है, यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लिया है चाय पानी के लिए, फ्रेश होने के लिए 15-20 मिनट यहाँ रुकेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारी बस इसके पीछे बस खड़ी है और ये हाईवे है चलता हुआ, देखिए आप पूरा हाईवे, हाईवे के ऊपर ये होटल है। 15-20 मिनट का ब्रेक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी टी ब्रेक के बाद वापस हाईवे पे आ गए हैं और हमने सफ़र हमारा महाबलेश्वर का शुरू कर दिया है। 15-20 मिनट के लिए रुके थे यहाँ पर, क्योंकि तो आप देखिए फूलों की घाटी यहाँ पर कुछ देखिए, बहुत ही शानदार फूल यहाँ पर होते हैं, यहाँ के फूल बहुत ही फेमस हैं। बाकी आप देखिए हाईवे का नज़ारा और ये पूरा रास्ते का आनंद लीजिए, बने रहिए पूरे वीडियो में। आगे केबिन से आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है इंजन की, तो मेरी आवाज़ आप तक कितनी आ रही है देखना पड़ेगा। बाकी आप देखिए ये पूरा हाईवे जो है, इसके आसपास हाईवे के ऊपर गांव बहुत है और थोड़ी देर में गांव आ जाता है और अच्छी हरियाली यहां पर है, हरा भरा है, बहुत ही शानदार व्यू यहां को देखने को मिलते हैं हमें, चाहे वो गांव के नज़ारे हों चाहे वो हाईवे के नज़ारे हों, बहुत ही शानदार। बाकी ये देखिए बस सर्विस बहुत ज़्यादा चलती है यहां पर, बसें प्राइवेट गवर्नमेंट की बहुत बहुत सारी बसें हैं, बस रूट पे चलती है। 16 गांव ये है, 16 गांव में ये नज़ारा आप देख पा रहे हैं और साईं बाबा की बड़ी मूर्ति स्थापित की गई है। ये बस स्टॉप यहाँ का, यहाँ से कुछ सवारियाँ लेंगे और यहाँ से सीधा ये हाईवे जो ऊपर जा रहा है ब्रिज के, ये सतारा और आगे बेंगलुरु निकल जाता है और इधर से हम ब्रिज के नीचे से राइट मारेंगे तो हम आगे महाबलेश्वर को निकलेंगे। महाबलेश्वर इधर से ब्रिज के नीचे से राइट मारना है, ये ब्रिज के जो ऊपर से चार रास्ता गया वो सीधा निकल गया बेंगलोर को और ये महाबलेश्वर का रास्ता, और यहाँ से तकरीबन 35-40 किलोमीटर महाबलेश्वर रह गया। अभी वाई का बस स्टैंड आ गया, क्योंकि ये गवर्नमेंट की बस है तो ये बस स्टैंड पे रुकती है, तो ये वाई का बस स्टैंड 2 मिनट यहाँ पे रुकेगी फिर आगे चलेगी। ये बस स्टैंड से हमारी गाड़ी चल पड़ी है, अभी 1:26 हो गया अभी।
से महाबलेश्वर तकरीबन 30 किलोमीटर और रह गया। ये घाट रोड ताकि अभी पाँच कड़ी गाँव आ रहा है तो 4-5 किलोमीटर रह गया और ये पूरा घाट का रोड है। गाड़ी को बहुत जोर लगाना पड़ता है क्योंकि बारिश आ रही है हल्की हल्की, कभी बूंदाबांदी आ जाती है कभी रुक जाती है। बाकी आप ये नज़ारों का एंजॉय लीजिए। बस स्टॉप आ गया, यहाँ पे एक दो मिनट के लिए रुकेगी, सवारी उतारेगी और फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ से महाबलेश्वर थोड़ा ही रह गया और अभी हम महाबलेश्वर पहुँचने ही वाले हैं, बिल्कुल नज़दीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम ये यात्रा हमने पूरी की और अभी हम महाबलेश्वर बस स्टैंड पहुंच गए हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।